आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फिल्टर्स Huawei वीडियो एडिटर में कैसे यूज होते हैं और हम कैसे वीडियो अपनी वीडियो एडिट करते हुए फिल्टर्स जी हाँ डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स वगैरह यूज कर सकते हैं और कैसे अपनी वीडियो को अपनी जो एडिटिंग कर रहे हैं वीडियो को उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आपने आज की वीडियो को पूरा देखा तो आज की वीडियो में आप पूरा फिल्टर के बारे में एक एक चीज सीखेंगे कि हम वीडियो एडिटिंग में कैसे फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं मैंने Huawei वीडियो एडिटर पे एक पुराना प्रोजेक्ट खोल रखा हुआ है। उसमें मैंने जो है अब आपको मैं फिल्टर यूज करना सिखाऊंगा। उसमें मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली वो वीडियो, यही वीडियो। अब उसके बाद फिल्टर यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले इस ऑप्शन पर जाना है। ये फिल्टर का एक ऑप्शन है। आप देख सकते हैं फिल्टर्स अप्लाई विजुअल इफेक्ट्स टू वीडियोज और फोटोज। आप इसको इफेक्ट को फोटोज भी लगा सकते हैं और वीडियोज भी लगा सकते हैं। तो मैं फिल्टर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास ये ऑल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के आ गए हैं फिल्टर्स, डिफरेंट टाइप के मैं यूज कर सकता हूँ। उसको मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा अच्छा जो एक फिल्टर है वो मुझे आप बहुत अच्छा लगता है तो वो आपको करके दिखाता हूँ। मैं हैंड शेक का, कैमरा शेक का मैं क्लिक करूंगा। आप देखिएगा ये फिल्टर कैसे यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस फिल्टर का कितना अच्छा असर पड़ रहा है हमारी वीडियो पे। ये काफी अच्छा फिल्टर है, मैं इसको अपनी मोस्टली वीडियोस में यूज करता रहता हूँ। और अब आप एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, जैसे ही आपने यहाँ पे फिल्टर लगाया, आप फिल्टर को आप क्या करना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं या इसको एडिट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के ऊपर हल्का सा एक छोटा सा स्टार देख रहे हैं। स्टार पर जब आप ये क्लिक करेंगे, तो ये जितने भी इफेक्ट अप्लाई हुए हुए हैं वो यहाँ पर ये खुल जाएंगे और कितने इफेक्ट जो आपने अप्लाई किए वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप इस इफेक्ट को कितना कर सकते हैं। अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये जो मूवमेंट है इसकी, जो शेकिंग मूवमेंट है वो कम होगी। अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा तो मेरे पास ज्यादा मूवमेंट होगी। सिंपल सा ये है। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूंगा ये स्टार भी गायब हो जाएगा और फिल्टर भी खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह मैं ऑल पे चले आता हूँ और उसके बाद ये डिफरेंट फिल्टर्स हैं। अगर आपको ऑनलाइन फिल्टर कुछ चाहिए तो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं और ऑनलाइन निकाल भी सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये फिल्टर्स बहुत हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स वगैरह हैं। मैं आपको एक और यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक घी वाला लगाया फिल्टर, तो आप देखते हैं वीडियो कैसे हो गई। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी ब्लर टाइप हो गई है और ये थोड़ी चमक रही है। ये फिल्टर हमारे पास थोड़ा ब्लर टाइप का है और बैंक टाइप का है हमारे पास। तो आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा तो आप यूज कर सकते हैं और अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ पे आप फेवरेट्स में आपके पास कुछ नहीं होगा। फीचर में आपके पास डिफरेंट टाइप के, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकन लेंस, ये सब मोशन ब्लर वगैरह ये सब आप देख सकते हैं। मैं आपको एक और अच्छा सा फिल्टर दिखाता हूँ जो मैं काफी अपनी वीडियोस के लिए यूज करता हूँ, वो है हमारे पास शार्पन। अब इसको देखते हैं कैसा लगता है। तो आप देख सकते हैं ये काफी तेज हो गई है, मतलब जो ग्रास वगैरह है यहाँ पे, जो घास वगैरह है, जो दरख्त वगैरह है यहाँ पर, वो काफी शार्प हो गए हैं। अगर इसको मुझे कम करना है तो मैं वही स्टार पे क्लिक करूंगा और इसको और थोड़ा कम कर सकता हूँ। मैं जितना मैं कम करना चाहूँ मैं 40 पे रख लेता हूँ उसको। तो इसको मैं 40 पे रख लेता हूँ। 40 पे रखने के बाद आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा ये कम हुआ है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप के यूज कर सकते हैं। नॉइज वगैरह आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स वगैरह हैं। ये पूरा सेक्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये विजुअल इफेक्ट का पूरा फिल्टर है। जी हाँ, फिल्टर्स वगैरह इस पर डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स वगैरह हैं। आप इसको जब खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएंगी चीजें और आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस तरह आप एडजस्टमेंट वगैरह देख सकते हैं, मीन्स इनमें से क्या क्या ब्राइटनेस वगैरह मिरर वगैरह आपको कुछ करना है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ये पसंद आ रहा है तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ उसके बाद मैं ये वाला फिल्टर लगाता हूँ तो आप देखते हैं क्या इस पर चेंज आएगा। तो आप देख सकते हैं काफी थोड़ा फैल गया है और ये बिल्कुल चारों तरफ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पानी है बिल्कुल। तो आपकी मर्जी है आप कितने टाइप्स के फिल्टर वगैरह इसमें यूज कर सकते हैं और अपनी चीजें देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स वगैरह हैं, शार्पन वगैरह बहुत सारी चीजें, फिल्टर्स वगैरह ये डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स वगैरह हैं। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं या आप ऑल पर भी क्लिक करें तो आपको बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह दिख जाएंगे। देखें आप कितने एक्सप्लोर करने के हैं। यहाँ पर आपको परचेज करने की जरूरत ही नहीं फिल्टर, क्योंकि यहाँ पर फिल्टर जो है वो बहुत सारे हैं। जी हाँ, इतने सारे फिल्टर हैं यहाँ पर कि आप यूज करेंगे आप बहुत सारे नए फिल्टर्स मिलते जाएंगे। जी हाँ, बहुत सारे फिल्टर्स हैं। अब एक और मुझे ये भी अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे जरूरत पड़ गई ये वाली वर्टिगो,
ये भी मैं यूज करता हूँ कभी, जैसे कोई वीडियो में फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पार्ट कट किया, उस पार्ट में मुझे वर्टिगो लगाना है तो मैं वो भी लगा लेता हूँ। मैं इसको प्ले करूंगा तो ये देखें आप कैसे बनता शुरू हो जाएगा वर्टिकल। ये थोड़े पार्ट में सही होता है, मतलब फिल्टर, अगर आप, मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा, एडवाइस दूंगा कि अगर आप पूरी वीडियो बना रहे हैं तो पूरी वीडियो में आप फिल्टर ना लगाएं, छोटी छोटी चीजों पे लगाएं जो इसमें फिल्टर आपको अच्छा लगे, वरना अगर आप पूरी फिल्टर पे ऐसे फिल्टर लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप, ये ब्लर टाइप है, बहुत सारे फिल्टर है, कलर फिल्टर है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, लाइट लीक्स, मोज़ेक, रेट्रो विग्नेट्स, जितने टाइप्स है, आप ये खुद एक्सप्लोर जब करेंगे ना तो आपको खुद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप ये खुद यूज करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लास्ट में फिल्टर आपको दिखा देता हूँ, ये भी मैं यूज करता हूँ, विग्नेट वाला, विग्नेट 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्नर पर जो है ब्लैक आ गया। अगर आप ब्लैक यूज कर रहे हैं तो देखें यहाँ पर ब्लैक आ गया है और काफी अच्छा लग रहा है ये फिल्टर, आप इसको यूज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप इसको यूज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के जरिए आपको फिल्टर का एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फिल्टर, इतने सारे फिल्टर हैं जहाँ अगर आप यूज करने बैठे तो खत्म ही नहीं होंगे। जी हाँ, खत्म ही नहीं होंगे फिल्टर, इतने सारे फिल्टर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक कुछ स्टिकर्स वगैरह भी फिल्टर हैं, जैसे आप बताते चलो आपको दिखाऊँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टार्स यहाँ यूज हो जाए तो आप देख सकते हैं ये स्टार्स वगैरह कैसे लग रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं इस वीडियो को चलाऊँ तो आप देख सकते हैं ये कैसे स्टार्स वगैरह जा रहे हैं फिल्टर्स में। इसलिए एक फिल्टर है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से यूज करेंगे अपनी वीडियो में तो आप काफी अट्रैक्टिव वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप इसको जैसे तैसे यूज करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा गाइडेंस यही करूंगा, ज्यादा एडवाइस यही दूंगा कि आप अच्छे से अच्छा अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव बनाएं। ऐसा ना करेगा कि पूरी वीडियो खराब हो जाए फिल्टर से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं भी कभी ऐसा कर जाता हूँ कि वीडियो में इतने फिल्टर यूज कर देता हूँ मैं कि वो वीडियो खराब लगने लगती है। इसलिए फिर मैं इसको रिमूव करके दोबारा एडिट करता हूँ तो वो फिर अच्छी खासी बन जाती है, या फिर मैं इसको कंट्रोल सेट करके पीछे पे ले आता हूँ, ये करता हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं ये सारा डिफरेंट टाइप्स का फिल्टर्स वगैरह हैं, और ये आप डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर वगैरह यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की फिल्टरिंग क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की फिल्टरिंग क्लास पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि ये प्रीमियम नॉलेज, ये वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊँ। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। With the